खबर लखनऊ जनपद से, जहां योगी सरकार एक तरफ जहां भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की मंशा को ठेंगा दिखाते हुए कुछ भूमाफिया अवैध रूप से एक बड़ी आबादी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें कई परिवार बसे हुए हैं। आपको बता दें, जनपद लखनऊ के बंथरा थाने के अंतर्गत भटगांव मजरे मजरी खेड़ा का मामला सामने आया है, जहां अब्दुल गनी नाम के एक शख्स ने 200 साल पहले एक आबादी मजरी खेड़ा नाम से बसाई थी, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आज 200 साल बाद भी वहां आबादी मजरी खेड़ा नाम से बसी हुई है, लोग रह रहे हैं। ऐसे में कुछ भूमाफिया अवैध रूप से दस्तावेज बनवाकर उस जमीन पर अपना मालकाना हक बता रहे हैं। ग्रामीणों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह आबादी स्वर्गीय अब्दुल गनी ने बसाई थी, जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, न ही कोई पत्नी और न ही कोई बच्चे थे, लेकिन आज फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाकर कुछ लोग एक बड़ी आबादी को खाली करवाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है, जिसका कोई भी प्रमाण मौखिक या लिखित नहीं है, जिसके चलते मंजरी खेड़ा के लोगों ने सरोजनी नगर तहसील में इकट्ठा होकर एसटीएम से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया और किसी भी प्रकार का भेदभाव या हानि न होने की बात कही। साथ ही भूमाफिया द्वारा जो जबरन जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उस पर पूरी जांच की जाएगी, आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। अब देखना है कि इस कार्य पर क्या कार्रवाई की जाती है। इसमें तहसीलदार और लेखपाल सभी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुत्तीलाल कोरी है, मैं भटगांव निवासी हूँ। ये बताइए पुत्तीलाल जी, आपके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, तो आप लोग पूरी एक बस्ती आई, पूरी एक आबादी आई हुई है जी, क्या मामला क्या है पूरा? यहाँ पर कुछ दलालों ने, भूमाफियाओं ने मंजली खेड़ा को बेच दिया। मंजली खेड़ा चार वर्षों से हमारे लोगों के बस्ती बसी हुई है, हम लोगों के घर बने हुए हैं, चार पीढ़ियां हमारी बीत गई हैं। आज तक हमारे लोग ये दनफन कराए जा रहे हैं, बहुत ये डिफेंस हमारे यहाँ आ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये कुछ हो रहा है। हमारे लोगों के घर बने हुए आज से भी कई पीढ़ियों से, फिर भी वो कहते हैं हम पैसे देके सब कुछ करा लेंगे। हम लोग रजिस्ट्री उन्होंने करवाए, उसके लिए आपत्ति लगा। तो आप लोग कब से वहाँ पे रह रहे हैं? हमारे लोगों के आज हमारे चार चौथी पीढ़ी, हम बच्चे हैं, तो आप लोग 250 सालों से आपके पूर्वज रह रहे हैं, बराबर रह रहे हैं, तो क्या मामला, क्या कोई क्या जबरदस्ती कब्जा कर रहा है क्या? रजिस्ट्री से मालूम होता है, वहाँ से मालूम होगा कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले तहसील दिवस वाले दिन हम लोगों ने आपत्ति लगाई, फिर भी ना लेखपाल, किसी ने कोई जांच नहीं की। उसके बाद में वो भूमाफिया जो बोलते हैं कि हम पैसे के दम पे घर खाली करा लेंगे। अच्छा, मतलब कितने घर बने हुए वहाँ पे? 35 से 40 घर करीब होंगे। 35 से 40 घर बने हुए जबरन, मतलब खाली करवा दी जा रही है पैसे के दम पे। वो कब्रिस्तान भी है इनका, ये लोगों पूर्वज, इनका लोगों का। क्या नाम है आपका? और ये पूर्व प्रधान, ये बताइए आप उसी क्षेत्र के हैं, क्या मामला क्या है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे? अब्दुल गनी है, मोहम्मद, उन्होंने पूरा परिवार बेचा है, आप उन्हीं के परिवार उसी में सब दफन है। तो ये जो आबादी यहाँ पर मौजूद है, तो इनके साथ अन्याय हो रहा है या ये कुछ मामला है? अन्याय हो रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, हम देख सकते हैं। क्या नाम है चाची आपका? आपके साथ अन्याय हो रहा है, 5 पीढ़ी आपको जबरन क्या खाली कराया जा रहा है क्या? क्या नाम है आपका? हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, क्या नाम है चाचा? और हमारे पूर्वज वहाँ पर 250 सालों से रह रहे हैं, और पांच मरतबा हम, दो मरतबा तो एप्लीकेशन दे चुके हैं यहाँ पे तहसील दिवस में और वैसे, जो कि आज तक कोई उसकी रिपोर्ट नहीं मिली हुई है, ना उसकी कोई जांच हुई है। आज ये हम फिर तहसील दिवस में एप्लीकेशन दे। आप उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारा हम आप देख रहे थे कि एक आबादी जो बहुत ज्यादा परेशान है, जबरन कब्जा हो रहा है एक जमीन पर फर्जी तरीके से, और जिस तरीके से हम देख रहे थे, तो अब्दुल गनी करके जिन्होंने एक आबादी बसाई थी, जो बसा के चले गए, ये उन्हीं के परिवार से, एक वंशज हैं उनके और उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, ये चौथी पीढ़ी के हैं यहाँ के, तो हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये उन्हीं के परिवार के हैं, और ये भी गांव वालों के समर्थन में है, और कह रहे हैं कि जो गांव की आबादी बसाई गई थी वो सही तरीके से बसाई गई थी, और ये फर्जीवाड़ा यहाँ पे पूरी तरीके से चल रहा है। आइए हम जाने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? इकरामुल हसन। इकरामुल हसन जी, ये बताइए आप उसी गांव में अभी रह रहे हैं? हम उसी गांव में रह रहे हैं, ये सारे लोग वही, जो हमारा नंबर है उसी नंबर में हमारा कब्रिस्तान है। क्या नंबर है?
751। तो ये बताइए, अब्दुल गनी आपके परिवार के थे? ये परिवार के हैं, ये हमारा परिवार पूरा है। अच्छा, यहाँ परिवार के हैं। तो आप उसी गांव में रह रहे हैं, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है उसमें? हमारे कब्रिस्तान उसमें है, ये सारे लोग उसी में दफन हैं। अच्छा, आपके कब्रिस्तान है, आपके पूर्वज उसी में दफन हैं? ये जितने आप देख रहे हैं इतने लोग नाम, ये उसी में दफन है। उसी कब्रिस्तान से मिला हुआ है चाचा का घर, उसके बाद में इन कुत्ती चाचा इनका घर है, कब्रिस्तान से मिला, उसके बाद और आबादी है। तो आपके परिवार में जो अब्दुल गनी जिनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने ये आबादी बसाई थी, क्या उनकी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी उनकी। तो किस तरीके से ये जो तीन लड़के और उनकी एक बीवी भी बताई जा रही है, पत्नी एक दलाल लोग जाने, उनको कहां से, मतलब ये फर्जी तरीके से उनकी पत्नी भी मतलब बनाई गई है, और फर्जी तरीके से तीन लड़के जो इसमें मतलब दिखाए जा रहे हैं, 150-200 साल जो भी गुजरे हैं उनके बीच में। अब ये कोई ग्राम सभा का गवाही नहीं है, न न्याय पंचायत का है, अलग अलग सब गवाही बनाए गए हैं। कब्रिस्तान के बाद में सारे लोग यही दफन है, इस कब्रिस्तान के बाद में मकान सब बने हुए हैं, आबादी रोड तक है।